और अब खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां टीआरएस कॉलेज एनएसयूआई के अध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई स्थापना दिवस के अवसर पर साइकिल से यात्रा निकाली गई, जो कि कॉलेज चौराहा, सिरमौर चौराहा, शिल्पी प्लाजा से हॉस्पिटल चौराहा, हॉस्पिटल चौराहा से कोड़ा चौराहा और वहां से बैजू धर्मशाला तक निकाली गई। आपको बता दें कि बढ़ते हुए पेट्रोल, डीजल और खाद्य पदार्थों के दामों के विरोध में ये साइकिल यात्रा निकाली गई। आइए दिखाते हैं साइकिल यात्रा की कुछ झलकियां। तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई, जो कांग्रेस की छात्र शाखा है, उसका आज स्थापना दिवस था। उस विषय में हम लोग आज शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू भैया के मार्गदर्शन में हम लोगों ने और प्रदेश अध्यक्ष मंजू त्रिपाठी जी के मार्गदर्शन में आज हम लोगों ने साइकिल यात्रा निकाली है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये था साइकिल यात्रा निकालने का कि जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, उसका विरोध किया है। और हम लोगों ने शहर के प्रमुख मार्गों से ढेकहा से शुरू की है साइकिल यात्रा और वहाँ से होते हुए कॉलेज चौराहा सिरमौर चौराहा और प्लाजा घूमते हुए हॉस्पिटल चौराहा होते हुए हमने बैजू धर्मशाला में समाप्त किया है। जिस प्रकार से महंगाई, खाद्य पदार्थ और अन्य पदार्थों का रेट लगातार बढ़ रहा है, आम जनता का जीवन जीना मुश्किल होता जा रहा है। हम लोगों की आज छात्र संगठन इस विरोध में रैली निकाला कि बेरोजगारी इस प्रकार से लगातार बढ़ रही है कि आम जनता का जीवन जीना मुश्किल होता जा रहा है। हम लोगों ने सड़क में निकाल कर जनता को संदेश दिखाया कि इससे बुरे दिन कभी नहीं आ सकते। जो मोदी जी कहते थे कि अच्छे दिन लाएंगे, इससे बुरे दिन कभी नहीं आए। आज ये सभी भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने मंगू भैया की उपस्थिति में लोगों ने शहर का भ्रमण किया है और जनता को जागृत किया है। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, उसमें रोक लगाई जाए, अन्यथा ये छात्र संगठन उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा, आगे की लड़ाई भी लड़ेगा।